और गाइस ये देखिए, दरअसल मोर यहाँ अंडे देगा, ये ऐसे रखे हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार मोर के अंडे देखे हैं। So, hello guys, मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ में हमारे यश भाई, और हम आए हैं यश भाई के फार्म हाउस पे। और यश भाई को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, स्थानम, शोरगुल, रेड, रंगबाज, और आपको इतनी अच्छी चीज दिखाने आए। कौन सी ऐसी चीज है मैंने खुद नहीं देखी कभी अपनी आंखों से। आपने नाम सुना होगा हमारे देश का है राष्ट्रीय पक्षी मोर, और मैं उसके आपको अंडे दिखाऊंगा। तो अब आइए, मैं आपको ले चलता हूँ अंडे की ओर। ये है शेरू लाली। तो गाइस हम चल रहे हैं मोर के अंडे देखने, और मुझे नहीं लगता कि, और गाइस अरे बाप रे, ये पैर फंस गया। ये शेरू को देखो अपने मालिक के जो है, तो ये शो 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 शेरू शेरू शेरू। अच्छा यहाँ पे है, गाइस ये देखिए मोर के अंडे, ये है आपके मोर के अंडे। और गाइस ये देखिए, दरअसल मोर यहाँ अंडे देगा, ये ऐसे रखे हुए हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार मोर के अंडे देखे हैं। ये कब के हैं? तो एक्चुअली मैंने इसको इसलिए ढका हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुत्ते बहुत हैं, तो इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास थी, तो जब यहाँ घास की कटिंग हो रही थी जो देखा ये मोर के अंडे, तब तक ये घास कट चुकी थी। मैं यहाँ पे थे ना, मजदूर लोगों ने पूरा सफाई कर दी थी यहाँ पे, तो मैंने उसको छुपा दिया था कि यहाँ कुत्ते बहुत हैं, कहीं कुत्ते इनको नुकसान ना पहुँचा दें। और एक दिन जब मैं यहाँ पे आया था, तो मोर इनके ऊपर बैठी हुई थी, मतलब अपने अंडों को गर्माहट दे रही थी। इसमें से बेबी निकलेंगे, और इसके पहले भी यहाँ पे मोर ने अंडे दिए थे, उनके बेबी यहीं पे थे, आते भी हैं। ये यहाँ पे तो इनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि मोर को अपना स्थान पता होता है कि उसने अंडे कहाँ पे दिए, इसलिए तो हम इसको जगह इसलिए नहीं चेंज कर रहे हैं, हाथ छुपा के मैंने रखा है, मोर आएगी तो उसको पता है। सो गाइस ये थे हमारे मोर के अंडे, और सच कहूँ मैंने भी पहली बार देखे, और आपने कितनी बार देख चुके हैं? मैं भी पहली बार। अच्छा, वैसे जब इसके बच्चे निकलेंगे, और अगर ये उस वक्त यहाँ पे रहेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको व्लॉग दिखाऊं। हाल मीठे फलों का मत पूछो, रात दिन चाकुओं में रहते हैं। वाह वाह, क्या बात है रे यश भाई, आपने तो बिल्कुल माहौल जीत लिया। सो गाइस ये हमारे है यश भाई का फॉर्म, और हम बहुत मजे कर रहे हैं। एंड यश भाई ने नई नई शायरी स्टार्ट करी है, बड़ी धमाकेदार, तो जाके जल्दी से उनको इंस्टा पे देखिए। और बाकी ये बताइए कि आपने इससे पहले मोर के अंडे कब देखे थे भी या नहीं देखे थे? मैंने तो नहीं देखे थे। तो बस अभी हम यहाँ से चलेंगे गोमती नगर की तरफ, यानी कि मुझे घर भी जाना है यार, और कोशिश है कि मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे फलों के पेड़ दिखा दूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है ना, आप थोड़ा सा कम ही देखते हो यार, वैसे तो चाहे जितना भी देख लो, लेकिन ये मोर के अंडे और फल और ये सारी चीज़ें, कुछ ये यूनिक चीज़ें होती हैं। तो अकबर के ब्लॉग में ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी, कुछ नया पन मिले और नई नई चीजें मिले। तो चलिए गाइस चलते हैं अब हम फलों के पेड़ की तरफ। गाइस ये देख रहे हैं आप, ये हमारी गोमती लखनऊ की, और ये देखिए, और ये फिर यहाँ से हमारा शुरू होता है फार्म हाउस, और इस फार्म हाउस की पार्टी ब्लॉग भी आने वाला है। और ये देखिए बहुत बेहतरीन, मतलब अगर आप आ रहे हैं वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं ना, तो सारी सुविधा है। और ये सोचिए दही, ये किराए पे भी है क्या? नो। अच्छा। मैंने कहा जो मेरे व्लॉग देखने के थे, भैया अकबर ये बताइए यहाँ पे किराए की शादी वादी करानी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? हाँ तो मिल जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे डीएम करें, या भाई की आईडी है डिस्क्रिप्शन पे, उनको डीएम करें। शादी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा अवेलेबल है, ये तो बढ़िया है, मतलब शादी के लिए बहुत बेहतरीन है। ये देखिए अमरूद, बट अभी कच्चे हैं ये अमरूद, ये इसे कहते हैं बरसाती अमरूद, क्योंकि बरसात के मौसम में आता है, और आपने मेरे घर की विंडो वाले में भी देखा होगा। मीठी नीम बोलते हैं, करी पत्ता, मीठी नीम, करी पत्ता, और इसको भिलाई में पता नहीं क्या बोलते हैं यार, जिसको पता बता दो मुझे कमेंट में। ये देखिए हमारे फार्म हाउस के नींबू, ये नींबू मैं आपको तोड़ लिए हैं, ये देखिए, ये हाँ क्या बहुत रसीले नींबू हैं, ये हरे ही रहते हैं। अच्छा हरे रहते हैं, हरे में ही आपको वो मजा आएगा एकदम पीले वाला।
क्या बात है, ये सारे जो आप लाइन से देख रहे हो ये सारे ही नींबू के पेड़ हैं। शिव जी का प्राचीन मंदिर, यहाँ पे हर शिवरात्रि वाले दिन नाग नागिन का जोड़ा जरूर दर्शन देता है। हर शिवरात्रि को जब यहाँ पूजन होता है, रुद्राभिषेक होता है, तो नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पे जरूर आता है। तो अगली बार जब आए तो उसका वीडियो जरूर हमें शेयर करिएगा। शिव जी को, गणेश जी को ये पत्र चढ़ता है। अच्छा जी, इसको बोलते हैं शमी पत्र। ये बहुत ही पूजनीय पेड़ है। नौगरे की जो लकड़ी होती है उसमें एक ये शमी भी होती है। अच्छा दोस्तों, आपने ये जरूर किया होगा, ये कभी भी आपने नींबू का पेड़ ऐसे तोड़ा होगा, इसको मसला होगा और इसको फेंक के हाथ जरूर नाक में लगाया होगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। आम लगे थे बट इसमें मैंने सारे आम तोड़ दिए, सारे आम टूट गए। ये आम है तो आम का तो व्लॉग गाइस आएगा प्रॉपर, तो उसमें देखिएगा। एंड गाइस ये हट देख रहे हो, मतलब एकदम बेहतरीन वाला फील आ रहा है। इस जगह को हम लोग क्या है कि शादी पार्टी के लिए भी देने के लिए तैयार हो गए हैं और हमारा पूरा ये फील्ड तैयार हो गई है। ये सारी पूरी जहाँ पे आपने मोर के अंडे वगैरह देखे, हाँ, वो हमारी तो हाँ, जो भी लखनऊ से या बाहर से, अगर गाइज आपको ये मैं उतना अच्छे से अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा बड़ा फार्म हाउस है, जरूर बुक करें। एंड ये आपकी हट है, बारात कंपनी की शूटिंग हुई थी राइट? यस, 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 अगर आप बारात कंपनी के अगर आप सॉन्ग्स देखेंगे ना तो उसमें आपको ये हट जरूर दिखेगी। बाहर से इसका लुक बहुत अच्छा है, सोचिए अगर आप यहाँ पे शादी कराएंगे, सामने से ब्राइडल आएगी तो कितना बेहतरीन लुक आएगा, मतलब एकदम रॉयल फील आएगा। सो दोस्तों ये था हमारे यश भाई का फार्म हाउस, एंड अभी यश भाई के हम आम के बगिये भी जाएंगे तो उसका व्लॉग भी आएगा, तो बस उसको भी देखिएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं फार्म हाउस से बाहर। एंड गाइस हमारे हनुमान जी भी विराजमान है फार्म हाउस पे। हमारी महारानी खड़ी है। गाइस ये है अपना दयाल पैराडाइज। पेड़ पौधे और लगवाएंगे ना इसी बारिश। ये आपका लैब है और ये हमें इस वक्त गोमती नगर में, गोमती नगर मतलब बहुत प्यारा इलाका, बहुत शांत इलाका भी हम इसे बोल सकते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं बीएनए के सामने चाय पीने। यश भाई का बीएनए से कितना पुराना रिश्ता है? 2002 से है, क्योंकि यश भाई जो है हमारे बीएनए से ही पास आउट है। इसलिए मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट है। जब मुझे एक्टर बनने का शौक हुआ था तो मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी, और ये बात है करीब 2002 की। मैंने यहाँ पहले एक महीने की वर्कशॉप की थी, उसके बाद मैंने यहाँ से 2 साल का डिप्लोमा किया। ये मेरी जिंदगी का एक मतलब ड्रीम कह लो। बिल्कुल। एंड जो लोग मुझसे पूछते हैं गाइस कि मुझे एक्टर बनना है, तो अगर आपको एक्टर बनना है तो बीएनए एक बार जरूर आइए, वर्कशॉप करिए एंड 2 साल का डिप्लोमा करिए। लाइट थोड़ी ज्यादा है तो उसको अवॉइड करिए। और ये हमारी चाय खोलने में लगी है। तो गाइज ये रही हमारी, हमारी और यश भाई की चाय, और अब हम लेंगे चाय की चुस्कियाँ। कैसी है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो गाइज चाय हो गई, रील्स बन गई, एंड पूरा व्लॉग हो गया, बहुत मजेदार। हमने बीएनए के भी आज दर्शन कर लिए और यश भाई से भी मुलाकात हो गई, फार्म हाउस का रिव्यू भी कर लिया और बहुत मजा आया। एंड आपको ये व्लॉग कितना अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यश भाई कैसा लगा व्लॉग में? बाकी अभी आम की बगिया का व्लॉग आने वाला है तो उसके लिए वेट करिए, इंशाल्लाह बहुत मजेदार वो भी व्लॉग आएगा। तो गाइज आपका भाई इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी भाई को प्यार दीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। यश यूनिवर्स, यूनिवर्स और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो जल्दी से जाइए चेक करिए भाई के इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करिए, सपोर्ट करिए। एंड इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नेचुरल एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है, लव यू गाइज।